और गोरखपुर से खबर आ रही है जहां महिला का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पिस्टल के बगैर गोलियों के ट्रिगर बताते हुए दिखी महिला। दंपति को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ की जा रही है और गोरखपुर के गोला क्षेत्र के बारानगर का यह मामला। तो गोरखपुर से यह खबर है जहां महिला का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दंपति को हिरासत में लिया गया और पिस्टल के बगैर गोलियों के ट्रिगर दबाते हुए महिला का ये वीडियो जो है वो सामने आया था, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई और अब हिरासत में लिए गए हैं ये दंपति। ये देखिए किस तरीके से महिला पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रही है बिना, ये देखिए किस तरीके से असलहा लहराते हुए महिला का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है और अब उन पर कार्रवाई हुई है, दंपति पर कार्रवाई हुई और उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है। और गोरखपुर की ये सीधी तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से असलहा लहराते हुए ये महिला सामने दिखाई दे रही है, ये वीडियो काफी वायरल हुआ जिसके बाद संज्ञान लिया गया पुलिस की तरफ से और अब इन दंपति को हिरासत में लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि असलहा इनके पास कहां से आया, कहां से इनकी बरामदगी हुई। और चलिए उन्नाव से खबर है जहां पर अनियंत्रित होकर पुलिस ने नीचे गिरा ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर अपनी जान बचाई है और हादसे में ट्रक के उड़े परकच्चे। बांगरमऊ कोतवाली के भिकारीपुर रूल गांव के पास यह हादसा हुआ, जिसके बाद आप देखिए इन तस्वीरों में, सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरे हालात में ये ट्रक पाया गया। ट्रक सीधा पलट गया नीचे रोड की तरफ और किसी तरह से कंडक्टर और ड्राइवर ने अपनी जान बचाई है। हाथाहाथ होने की खबर नहीं है लेकिन ट्रक जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अगली खबर बदायूं से है जहां पर चोरों ने ऑटोमोबाइल की दुकान को बनाया निशाना और ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान में चोरों ने किया हादसा, जहां पर ट्रैक्टर पार्ट की दुकान से लाखों का सामान चोरी हुआ। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के गांव उस्मानपुर का यहां ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान में चोरी हुई, लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस और फिर मामले की जांच में जुटी है पुलिस, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है पुलिस के, चोर हाथ नहीं लगा है पुलिस। बदायूं में चोरों ने ऑटोमोबाइल की दुकान में अपना हाथ साफ किया, चोरी की, लाखों का सामान चोरी करके फरार हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मेरा सामान हेड्रोपम्प हो गया, रिंग सेट हो गया, मोबाइल ले गए, सेल ले गए। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हुआ? लगभग हो गया 4 से 5 की समथिंग, 5 लाख। अच्छा, हाँ, तो कैंडी वगैरह सब ले। तो आपने किस समय देखा ये कि तुम्हारे कोविल सुबह में एक भैया आए थे, उन्होंने फोन करा था मेरे को। अच्छा, हाँ, बोले भैया तुम्हारी दुकान में ऐसे ऐसे कोमल लग गया, तो मैं आया यहाँ पे बात की। तो आपने इसको सूचना दिल्ली पुलिस को दी? हाँ जी, पहले मैंने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर वाले भैया ने कॉल करा दिल्ली पुलिस थाने, और उसको दिल्ली पुलिस पहुँची है। तहरी दी गई है? ना, अभी तो ना लगी है तहरी, बट लगाएंगे। अभी तो तहरी नहीं दी गई, सूचना दे दी तो क्या लगता है कि चोरी का कारण क्या रहा? पुलिस गश्त धीमी रही, क्या मामला रहा था? कारण पुलिस का क्या हो सकता है, इसमें कोई आपस का याद नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा जो चोरी हुआ है वो आइटम ऐसा हुआ है कि जो नॉलेज वाला ही कर सकता है, मोटा मोटा उठाया उन्होंने और बाकी सामान नहीं उठाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।